लोक जनशक्ति पार्टी ने वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है जो आने वाले आम चुनाव में पार्टी को मजबूती देने के विकल्पों की जानकारी देंगे। इस बस्ताकोला में बैठक कर एक कमेटी गठन किया गया जिसमें भगवान दास शर्मा को लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, वरीय उपाध्यक्ष राम सिंहासन शर्मा, जिला अध्यक्ष और सचिव बिहारी लाल चौधरी ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए 24 जिले में पार्टी गठन किया जा रहा है। पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। पूरे प्रदेश में घूम घूम कर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पिछड़ा प्रकोष्ठ भी आने वाले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को अपनी मजबूती दिखाएगा। आज का कार्यक्रम जो यहाँ बैठक हो रही है इसमें हम लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बिहारी भगवान दास शर्मा जी को मनोनीत हमने किया और हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ पूरे झारखंड प्रदेश के 2400 जिला में हम लोग संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है, संगठन थोड़ा कमजोर है, वहाँ हम लोग माननीय चिराग पासवान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दिशा निर्देश पर हम लोगों ने संगठन को पिछड़ा प्रकोष्ठ मजबूत कर रहे हैं। पूरे झारखंड प्रदेश में घूम घूम कर हम लोग कर रहे हैं। साथ में हमारे वरीय प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष राम सिंहासन शर्मा जी भी हैं और महानगर के यहाँ जिला के महानगर धनबाद के रामानंद जी हैं और बिहारी लाल चौहान जी जो हमारे प्रदेश हैं। सब साथी हम लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम कर संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं ताकि पिछड़ा प्रकोष्ठ भी आने वाले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी मजबूती दिखाएगा और हम लोग आगे चुनाव में लड़ेंगे। और साथ ही हम लोग जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के, वो वीरेंद्र प्रधान जी, उनका भी निर्देश है कि आप लोग सभी जगह कार्यक्रम करिए और पिछड़ा प्रकोष्ठ को मजबूती प्रदान करते हुए चुनाव में हम लोग सदस्यता अभियान भी करते जा रहे हैं और चुनाव हर जिला में हो रहा है और पिछड़ा प्रकोष्ठ का हम लोगों ने संगठन को मजबूत कर दिया है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता हुआ, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ। प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से धनबाद जिला पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पूर्व में जब से पार्टी का निर्माण हुआ है तब से मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य और पार्टी के एक सिपाही के हैसियत से आज तक काम करता हूँ। आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं अपने स्तर से, अपने साथियों के स्तर से, माननीय प्रधान प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश गुप्ता जी और गार्जियन हमारे बड़े भाई राम सिंहासन शर्मा जी जो वरीय उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आप मुझे जिम्मेदारी सौंपी हैं मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सबों को लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। धन्यवाद। क्या नाम? भगवान दास शर्मा, जिला अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ, धन्यवाद।